कैसे लगा आप लोग को साउंड बार बेस वगैरह सब पब्लिक भूल जाएगी भाई। तो क्वालिटी साउंड बहुत मस्त है, क्वालिटी बोलते भाई। दोस्तों इधर है तुम्हारा भाई मेडी एंड यू आर वॉचिंग आई एम स्क्वायर। तो दोस्तों जैसे कि आज मैं वंस अगेन वापस विजिट किया हूँ नावीद इंटरप्राइजेस, जहाँ पे अपने पीछे जैसे देख सकते हो BMW कार खड़ी है जो सुपर कंडीशन और सुपर डिजाइन के साथ खड़ी हुई है। और आज हम लोग की जो वीडियो है पूरी इस पे ही बनने वाली है सेपरेट वीडियो, क्योंकि BMW आप लोग को ही मालूम है 90% लोगों का भाई ड्रीम कार होता है, उसमें से तुम्हारा भाई भी एक है। तो मैं चाहता हूँ आज की वीडियो में पूरा आप देखो शुरुआत से लेकर लास्ट तक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर होने वाली इसमें A to Z, मतलब अंदर का इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह लुक सब कुछ होने वाला है। और इस वीडियो में मेरी हेल्प करने वाले जैसे लास्ट टाइम किए थे नोमन भाई ने, तो इस वीडियो में भी मेरी हेल्प करेंगे। तो मैं चाहता हूँ पहले उनको इंट्रोडक्शन दे दूँ। नोमन भाई, तो भाई कैसे हो? बस अलहमदिल्ला। तो भाई पहले अपनी पब्लिक को कुछ हाय सलाम दुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब जन? सब अपनी पब्लिक सब मजे में भाई। नोमन भाई जैसे कि अपने पीछे खड़ी हुई है BMW कार, तो थोड़ा सा बताइए जरा अपनी पब्लिक को क्या कैसा है इन्फॉर्मेशन वगैरह A to Z सब बताइए। ये BMW की 2015 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, और ये गाड़ी का है BMW 530D M Sports, M वेरिएंट है, M Sports में आती है गाड़ी। और ये गाड़ी में बहुत सारे प्लस पॉइंट है, मतलब 530D मार्केट में बहुत सारी है, बहुत कम प्राइसेस में भी आपको 530 बहुत जल्दी अवेलेबल होंगी। इसमें जो M सीरीज जो आती है ना वो बहुत रेयर है, मतलब हार्डली बहुत कम गाड़ी रस्ते पे, हाँ एकदम लिमिटेड है। और ये गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सब बता देता हूँ। तो गाइस वीडियो साथ में देखना, पूरा एंड देखना, क्योंकि हम लोग वीडियो के साथ साथ ही पूरा एक्सप्लोरिंग का भी बनाएंगे A to Z सब, वो पूरा तब साथ में पूरा हम लोग करने वाले हैं पूरा उसी के साथ। तो नोमन भाई फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई करते हैं। तो चलिए गाइस फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये जो मैक्विल्स है ना एलॉज है, तो ये स्पेशली 530D M Sports में ऐसे आते हैं। अब जो नॉर्मल 5 सीरीज देखोगे ना तो उसमें ऐसे एलॉज नहीं मिलेंगे आपको, समझा? और मतलब ये एडिशनली कुछ क्या बेनिफिट है? हाँ बेनिफिट है, वो मस्त मतलब अच्छे रहते हैं एक तरीके से। M Sports पे पूरे डिपेंडेंट है ये, इसमें मिरर भी दूसरा लगेगा जो 530 सीरीज पे आते हैं ना, वो नहीं है M Sports वाले मिरर से। और ये देखिए सनरूफ भी है इसमें, समझा? वो सनरूफ, हाँ उसको फोर व्हील की हवा वाले से, हाँ बस एकदम। तो उसके लिए और क्या एडिशनली इसमें बाहर से? बाहर से तो जो है दिखा दिया आपको मैंने, जो भी एलॉय चाहिए सब, गाड़ी एकदम क्लीन है, बम्पर टू बम्पर एकदम पूरा ओरिजिनल कलर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझा? इसमें नंबर भी बहुत अच्छा है 3990, गाड़ी का नंबर भी अच्छा है। हाँ अभी आपको आइए, अभी आपको अंदर लेके चलते पूरा दिखा रहे हैं। फिर इंटीरियर स्टार्ट करते हैं। तो नोमन भाई क्या है फिर? ये इंटीरियर बता दो आपको, इसमें देखो 530D जो एम है ना, एम स्पोर्ट्स में तो इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है मालूम है आपको ना, इसमें पैडल शिफ्टर मिल जाता है। इधर दिखाइए, ये जो है ना इसमें देखो ये मोड्स है, अगर आप मैनुअल में डाल रहे हो इसको, ओके ये देखो गाड़ी इधर ले ली आपने, इसको मैनुअल में डाल दिए ना तो आप पेडल शिफ्टर से खेल सकोगे, मतलब समझे? हाँ आपको जस्ट एक्सी देना और पेडल शिफ्टर प्लस माइनस, प्लस है ना जो ये okay. ये जो प्लस है ना इससे आपके गेट्स अप होंगे, इससे डाउन होंगे okay. और ये एम सीरीज की यही खास बात है कि आप आराम से चलाते रहो, आपके गेयर आपके हाथ में ओके okay. और इसमें पूरा है डिस्प्ले, ये पूरा डिस्प्ले डिस्प्ले। अभी देखो आपको मैं ये बताता हूँ स्पोर्ट्स साउंड सिस्टम वगैरह कुछ, हाँ है मैं बताता हूँ ना, ये जो स्पोर्ट्स डिस्प्ले, अब इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ ना तो इधर पूरा गाड़ी जो कन्वर्ट करती है ना पावर, इसमें पूरा दिखाता है। अभी देखो, देखिए ये पूरा पावर, ओ सुपर। इंटीरियर तो बहुत बहुत एकदम नेक्स्ट टू न्यू इंटीरियर है इसका,
दिखने में तो फुल लुक वाइज सुपर भी दिख रही है। अभी आपको ये दिखा दो, इसमें सनरूफ है, ये देखिए वन टच में पूरा, इसके ऊपर की कांच भी, वो सुपर। कहीं आपको बाहर जाना है तो समझे, आप ये ओपन रख के भी मस्त फील ले सकते, इधर खड़े भी हो सकते, मोस्ट ऑफ बच्चे लोग इधर खड़े हो जाते हैं। हाँ, पूरा एंजॉय कर सकते, पूरा एंजॉय कर सकते। बस देख लो ये अंदर का इंटीरियर। तो और कुछ एडिशनली रोमन भाई जो बच गया है अपने इनसाइड के लिए? एक जो बच गया इनसाइड के लिए, मैं आपको बताता हूँ ये गाड़ी की खास बात है, ओनली 70,000 किलोमीटर्स चले लिए विद कंपनी रिकॉर्ड। मतलब जब जो ये गाड़ी का ओनर था जिससे मैंने परचेज किया हो, उसने जब से लिया था ये गाड़ी और जब से हमारे पास आई है तब से, मतलब 5-6 साल हुए, 2015 का मॉडल है, तो तब से अभी तक की पूरी इसकी शोरूम हिस्ट्री है, मतलब ए टू जेड सर्विस शोरूम में ही हुई है गाड़ी की। और ये गाड़ी पे जीरो डेप्थ इंश्योरेंस विद टायर, समझे, मतलब पूरी गाड़ी अगर जीरो डेप्थ इंश्योर्ड है। इनफैक्ट बहुत कम जन टायर का भी इंश्योरेंस लेते हैं, ये गाड़ी का टायर का भी इंश्योरेंस आपको अवेलेबल मिल जाएगा और इंश्योरेंस भी वैलिड है इसका। इंश्योरेंस वैलिड है और इसमें बहुत सारे मोड्स हैं। आप आइए अंदर, आइए मैं आपको बताता हूँ, बताइए मैं पकड़ता हूँ। अब देखिए ये जो मोड्स है मैं आपको बताता हूँ। अभी ये है स्पोर्ट्स मोड पे, स्पोर्ट्स प्लस पे, इस पे गाड़ी रॉकेट हो जाती है, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल, फुल स्पीड समझे आप। अब इसके मोड स्पोर्ट्स, मतलब नॉर्मल चला सकते हो आप क्रूजिंग करते करते, कंफर्ट। अभी ये जो कंफर्ट मोड है, कंफर्ट मोड जो नॉर्मल अगर आपको सिटी में चलानी है, जिधर भी चलानी है, कंफर्ट मोड पे, तो अलग अलग सब। हाँ, और इको प्रो मतलब आपको फुल गाड़ी बेस्ट एकदम एवरेज देंगी, एकदम कम स्पीड पे एकदम अच्छा एवरेज देंगी आपको, समझे। अभी ये देखो, ये है इसका नॉब जिससे गाड़ी का पूरा कंट्रोल होता है, ये की है इसका, और एक की के रिलेटेड देखिए एम परफॉर्मेंस का किचन है, गाड़ी का नंबर है अपना। ओके, ये की से क्या ऑपरेट कर सकते हैं? ये की से ही देखिए, बताइए मैं बताता हूँ आपको, ये जो है ना ये गाड़ी का अनलॉक होती है इससे गाड़ी, ये देखिए ये गाड़ी का अनलॉक है, इससे लॉक होती है और इससे जो बूट रहती है ना डिक्की वो खुल जाती है। ओके, अभी ये देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ये एक बटन दबाने से इसका पूरा, समझे, रिवर्स में जाती है गाड़ी, रिवर्स में गई तो ये देखो रिवर्स कैमरा, कैमरा भी है सुपर। अभी न्यूट्रल में गाड़ी, अभी इसको पुल किए तो ड्राइव है इसमें, ये जो आपको लिंक ये दिख रहा है ना तो ये ऑटोमेटिक हो गई। अगर आप इसको साइड में करोगे ना, ओके, तो आप, हाँ, अब गाड़ी आगे जाएगी, अभी गाड़ी आगे जाएंगी और प्लस समझे आप ये एक्टिव कर सकोगे। अभी देखो ये स्पोर्ट्स वन दिखेला है ना आपको, अभी मैं ये पेडल शिफ्टर पे कर दबाऊंगा तो S2 हो जाएगा, M2, M3, समझे गियर गिरते जाते वैसे। अभी ये हाँ गियर, अभी मुझे कम करना है तो मैं इस साइड ये जो बटन है ना इसको कम करूंगा मैं माइनस में, देखो M1 हो गया, समझे। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स है ये गाड़ी में, बहुत सारे फीचर्स है। अभी देखो पार्क हो गई गाड़ी, बंद हो जाएगी। हाँ, और कैमरा कैसा, सिर्फ आगे है कि पीछे साइड में? पीछे, फ्रंट बैक दोनों कैमरा है ना, कैमरे का कोई टेंशन नहीं है। ओके, समझे। अभी देखो डोर जो जो खुले वो डोर में भी सब दिखा रहा है इसमें कि जो जो ओपन है। बंद करूँ मैं एक बार? हाँ कर दो, बंद कर दो। पीछे के भी बंद हो जाएंगे ना, पीछे के ओपन है तो वो भी हो जाएगा। अभी ये देखिए सनरूफ, अभी ये भी पूरा बंद होता है, ये देखो ये इसका बटन है। अभी ये और ये भी पूरा कवर, अभी इसके ये कंट्रोल्स है, ये आप ये जो बटन है कॉल रिसीव कर सकते हो, ब्लूटूथ, ये वॉल्यूम प्लस माइनस का है, इसमें मोड भी है, मतलब इधर से आप खुद ये कंट्रोल कर सकते हो, ये देखो ये मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ता है। हाँ, ये देखो ये सब पूरा एक्टिव है, समझे आप। और इधर भी जो है ये भी है, मतलब क्रूज कंट्रोल का ये बटन है, ये बटन यूज इसलिए होता है कि अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहे हो ना तो ये क्रूज कंट्रोल है ना, इसको ऑन कर दोगे तो आप अगर 100 की लिमिट सेट कर रहे हो तो 100 की लिमिट पे आपकी गाड़ी सेट होके कंटिन्यू चलते जाएंगी, समझे। आपको बिना एक्सी पे पार्ट देने की भी जरूरत नहीं है,
और क्या कुछ एडिशनल जो अपनी पब्लिक को मतलब छूट गया रहेगा या कुछ ऐसा बचा रहेगा? प्राइस। ओ हाँ, सबसे मेन मैटर तो प्राइस ही। प्राइस है तो प्राइस क्या कोट किया भैया इसकी? प्राइस अभी तो देखो 530DM स्पोर्ट्स है, एकदम प्राइस भी एकदम ज़्यादा नहीं रखे लाओ। ये मुझे देनी है फाइनल 27,50,000 में दे देंगे गाड़ी। ओके, स्लाइटली नेगोशिएबल है। तो नेगोशिएबल हो जाएगा, मतलब अपना अगर पब्लिक अपने थ्रू आ जाएगी भाई तो सब नेगोशिएबल है। तो भाई जैसा कि देख सकते हो पूरा इंटीरियर का, और भी कुछ मैं पूछता हूँ कि भाई मतलब और कुछ बचा है कि? सो भाई मैं आपको भूल गया बताना, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का देखो इधर स्क्रीन पे, और इसमें बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, वो भी पूरा इधर सेटअप है इसका। अभी चलो मैं आपको खाली साउंड सुनाता हूँ। तो गाइस इसका साउंड टेस्ट कर। गाड़ी पूरा स्टार्ट करके अपन एक बार बाहर से देख लेते। हाँ। सब लाइटिंग वाइटिंग सब जो आप बाहर से सब दिखाता हूँ ए टू जेड दिखा दो, मैं बाहर निकलता हूँ। ओके तो गाइस मैं बाहर निकलता हूँ, नॉर्मन भाई पूरा स्टार्ट करके दिखाएंगे अपन को, मैं आपको पूरा बाहर का दिखाता हूँ। चलिए गाइस बाहर का एक्सटीरियर देखते हैं, नोमन भाई बाहर का एक बार देख लेते हैं। ओके सब बताते हैं आपको, वॉक अराउंड पूरा बताते हैं। ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करो। सब ऑन कर दो भाई। तो मैं देख लीजिए लाइट ऑन भी जैसे देख लीजिए, गाड़ी स्टार्ट हो गई है पूरा। एग्जॉस्ट है इसका देखो धीरे धीरे। चलिए एक बार पूरा रुका ऑन कर लेते हैं। सामने से देखिए गाइस गाड़ी कैसी दिखती है। सुपर भाई जैसा कि देख सकते हो आप पूरा ये बाहर का एक्सटीरियर, गाड़ी चालू होके लुक डिजाइन ऊपर का एक बार देखो। अमन भाई ओपन करो, ये भी एक कड़क लुक जो बताया था आपको व्यूज है। तो ये पूरा हो गया बाहर का एक्सपीरियंस। तो अमन भाई फिर एंड करते वीडियो। हाँ भाई करते पूरा। चलो ओके बाहर का एक्सपीरियंस हो गया, एंड करते भी लास्ट में क्लोजिंग करके। ओके ओके। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा अमन भाई ने जिस तरीके से पूरा बाहर का एक्सपीरियंस फिर इंटीरियर थोड़े थोड़े फीचर जो भी थे आपने अंदर से देखा, साउंड वगैरह साउंड का सिस्टम फिर जो बाकी सब फीचर स्पेसिफिकेशन है वो सब फीचर्स अंदर की जो किस तरीके से उन्होंने बताया भाई उनको लाजवाब था। जरूर है भाई को क्योंकि नॉलेज बाइक की बहुत अच्छी है, स्पोर्ट बाइक का भी फिर अभी कार का भी उन्होंने किस तरीके से बताया लाजवाब है। दोस्तों मैं चाहता हूँ लाइव आके आप देखो एक्सपीरियंस करो, गाड़ी एकदम टकाटक सुपर कंडीशन में, कोई एंगल से नहीं लगती भाई कि 6 साल पुरानी है। और देख सकते हो जैसा
पूरा शोरूम कंडीशन है और आओ लाइव, आओ लाइव एक्सपीरियंस करो, लाइव देखो। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा।